maybe most of your problems will evaporate. So the fourth message by Satyanarayan Katha is, listen to your conscience. The characterization has put that conscience in the form of Leelavati. But बात समझने की ये है कि प्लीज डोंट लूज द सिग्निफिकेंस ऑफ सत्यनारायण कथा कि आप कल से जाएं और सिग्निफिकेंस है अंतरात्मा अर्धांगिनी आपका ही शरीर का आधा अंग है आपके अंदर की ही कॉन्शियंस है सो प्लीज डोंट सेपरेट योरसेल्फ इनटू टू बॉडीज एंड से कि अरे मैं तो सुन के आया था चतुर्वेदी जी का प्रवचन उस दिन से मैं व्रत लेकर अपनी पत्नी की सब बात मान रहा हूं मगर कष्ट कम नहीं हो रहे ऐसा नहीं है ऐसा नहीं, नहीं, नहीं बात को समझिए चाहे वो सद्बुद्धि पत्नी के माध्यम से आए या अंतरात्मा से आए या पड़ोसी के माध्यम से आए या मित्र के माध्यम से आए या शत्रु के माध्यम से आए मैसेज ऑफ सत्यनारायण कथा इज बी फ्लेक्सिबल टू पॉन्डर लिसन केयरफुली एंड एडजस्ट योर एक्ट अकॉर्डिंगली डोंट बी रिजिड विद ईगो कि नहीं मैंने जो कर दिया वही सही है The fourth message, please understand through the Sadhu Vaishya Katha is that when your conscience is reminding you about your commitment, don't be rigid, don't consider yourself to be the sole wise person without any flexibility. Adjust your ego, be flexible, whether it is coming through your wife, mother, सिस्टर ब्रदर फादर गुरु शत्रु पड़ोसी मित्र द क्वेश्चन इज यू मस्ट बी फ्लेक्सिबल इफ यू लूज योर फ्लेक्सिबिलिटी योर कष्ट इज नॉट गोइंग टू बी ओवर एंड द फिफ्थ द पैराडॉक्सिकल थिंग अबाउट तुंगभद्र द चैप्टर 5 ऑफ कथा तुंगध्वज राजा तुंगध्वज राजा के माध्यम से मैंने कहा एकदम पैराडॉक्सिकल कैरेक्टर है साधु वैश्य से दैट तुंगध्वज राजा वॉज प्राइमरली अहंकारी फंडामेंटली नेगेटिव बट द मोमेंट ही वॉज मेड टू रियलाइज हिज मिस्टेक He was flexible enough to correct his conduct. And he got the benefits. तो जो साधु वैद्य ने conditional commitment देने के बाद fulfill नहीं किया और कष्ट झेला तुंगध्वज ने अपने अहंकार से कष्ट झेला but the moment he realized his mistake, adjusted flexibly, all his problems were solved. सो ये प्लीज मैसेज मत भूलिए फोर्थ मैसेज टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी इन योर कॉन्डक्ट डोंट बी ईगोइस्ट द मोर यू आर ईगोइस्ट द मोर योर ट्रबल्स विल बी बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड नोबडी इज परफेक्ट एडमिट दैट यस We can also commit mistakes. ऐसा नहीं होता कि हमसे mistake तो हो ही नहीं सकती I am not at the pinnacle of wisdom. So adjust yourself. Now, coming to the last point of the message of Satyanarayan Katha. सबसे महत्वपूर्ण इस पूरी कथा का मैसेज जो बार बार ये कथा बता रही है
बीवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर एक्ट और ऑमिशंस, बी अलर्ट, ओपन योर आईज, बीवेयर, यू आर गोइंग टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर एक्ट एंड योर ऑमिशंस. ऐसा नहीं होगा कि आप चाहे जो एक्ट करते रहें, चाहे जो ऑमिशंस करते रहें और कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतने ना पड़े, ये संभव नहीं. सो द फिफ्थ एंड द लास्ट मैसेज बाय द सत्यनारायण कथा इज बीवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर एक्ट एंड ऑमिशंस. Where you are supposed to act and if you are not acting is called omission. So it is not only that you are doing some act which is wrong and you are to face consequences. The message says that if you are not acting at the time when you are supposed to act, even then you will face consequences. So beware about the consequences and adjust your act accordingly. इस पूरी कथा में मैंने कहा सबसे महत्वपूर्ण है consequences. पूरी कथा consequences के बारे में. जिसने व्रत किया उसे benefit मिला, जिसने नहीं किया उसे भुगतना पड़ा. So primarily the message is about the consequences, that if you do good, if you act good, act as per the requirement, you will reap the benefit. But if you do wrong or omit to act at the time when you are supposed to act, you will fail the negative, you will feel and face the negative consequences. The adverse consequence will come and you should not have the grievances then. तो ये जो माध्यम है, इस कथा का जो सिंबल बनाए हैं भगवान विष्णु, भगवान नारद और ये कैरिकेचर्स अबाउट शतानंद ब्राह्मण लकड़हारा, तुंग ध्वज मोर ध्वज उल्का मुख, ये बात को एग्जेम्प्लीफाई करने के लिए है, उस थ्योरी को समझाने के लिए हैं जो थ्योरी में आज आपको समझा रहा हूं. 5 points. सो लेट्स रिपीट दीज 5 points एंड रिवाइज इट, तब तो बेनिफिट है आज के इस प्रवचन का. इफ वी आर नॉट एडिंग समथिंग इन आर पर्सनैलिटी आफ्टर द डिस्कोर्स ऑफ एन आवर मोर, देन इट्स ऑल फ्यूटाइल. इस प्रवचन का कॉन्सिक्वेंस भी उसी सत्यनारायण की कथा की पूजा की तरह हो जाएगा, जैसे तमाम पूजा होती है और उसके बाद भोजन होता है, उसके बाद सब फॉरगेट. सो लेट्स रिवाइज. फर्स्ट पॉइंट इज व्रत, डिटर्मिनेशन इन योर पर्सनैलिटी, संकल्प के साथ सत्य के मार्ग पर चलना. पहला मैसेज सत्यनारायण कथा का, डिटर्मिन टू बी गुड. Because God comes out of the word good. First message. Second, control your मन. मन रूपी नारद को लगाम लगाओ. और लगाम कौन लगाएगा? बुद्धि. सुशारथिश्वाने वयन मनुष्यन्नीयते. ये बुद्धि रूपी लगाम अपने मन पर लगाओ, वरना ये मन रूपी अश्व गंतव्य तक कहीं पहुंचाएगा नहीं, ये तो यहां से वहां उछलेगा. सो द सेकेंड मैसेज, कंट्रोल योर मन. द थर्ड, फुलफिल योर कमिटमेंट, बी ट्रू टू योर कमिटमेंट, नेवर फेल इन योर कमिटमेंट, अदरवाइज डोंट गिव द कमिटमेंट, डोंट स्पीक what you can't do.
यू शुड योर कॉन्डक्ट शुड बी अट्यून टू योर वर्ड एंड योर वर्ड शुड बी अट्यून टू योर कॉन्डक्ट. द फोर्थ, लिसन योर कॉन्शियंस को सप्रेस मत कीजिए, अंतरात्मा को सप्रेस मत कीजिए. एंड द फिफ्थ, बिवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर एक्ट्स एंड ऑमिशंस. दीज आर द फाइव मैसेज, द फिलॉसफी बिहाइंड सत्यनारायण कथा विच इज जस्ट अ पोर्शन ऑफ स्कंद पुराण. सो प्लीज अंडरस्टैंड, देयर इज अ ग्रेट फिलॉसफी एंड साइंस बिहाइंड दीज पूजा. And with this,